क्या आपको पता है हमारे अपने वैज्ञानिक ही एंटार्क्टिका और साइबेरिया जैसी जगहों पर जाके वहाँ से कई जोम्बी वायरस लाके उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। खतरा ये और बढ़ा रहे हैं। आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जोम्बी एपोकलिप्स रियल लाइफ में होते हुए देखना अभी भी कई लोगों के सबसे बड़े डर में से एक है। एक रशियन वैज्ञानिक जिनका नाम है एंटोली ब्राउचकोव, इन्होंने 35 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में वैज्ञानिकों की एक टीम को एक ऐसा चमत्कारी बर्फ का टुकड़ा मिला जिसके शोध के बाद ये पता चला कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो 35 लाख साल से इसके अंदर जमे हुए हैं और मरे नहीं हैं। डॉक्टर एंटोली ने इसे नाम दिया है द इमोर्टल बैक्टीरिया। जिस भी चीज़ ने उस बैक्टीरिया को 35 लाख साल से जिंदा रखा है वो शायद इंसान की भी एज बढ़ा दे, ये बात इस डॉक्टर ने कही। उन्होंने इस बैक्टीरिया को लेकर बहुत टेस्ट किए, चूहों पर आजमाया, मक्खियों पर आजमाया, फ्रूट क्रॉप्स पर आजमाया। अमेजिंगली जिस चूहे या फिर किसी भी इंसेक्ट पे इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया वो एनर्जेटिक हो गया और हेल्दी हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार दुनिया तो योलो है, अब मैं भी ट्राई करूँगा। योलो मतलब यू ओनली लिव वंस। तो उसने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, जो होगा देखा जाएगा। 2009 में उन्होंने उस 35 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट किया और अभी तक ये पूरी तरह से हेल्दी हैं और तब से ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं ये एक भी बार बीमार नहीं पड़े हैं। अब आपको पता चला कि वैज्ञानिक आखिर इतने दूर नॉर्थ पोल एंटार्क्टिका इन जगहों पर जमे हुए बर्फ के अंदर बैक्टीरियाज वायरसेस को क्यों ढूंढते हैं। इसलिए ताकि कुछ ऐसा बनाया जा सके जो एलिक्सर ऑफ लाइफ, ये जो शब्द है इसके क्लोज हो, यानी कि अमृत। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, ये वैज्ञानिक पोटेंशियली एक ऐसी चीज को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं जिसे कई वैज्ञानिक जोम्बी की कैटेगरी में रख चुके हैं, क्योंकि ये कभी मरते नहीं और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। ओवर टाइम ये बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई नहीं जानता और अभी के समय में मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करने का जो चलन चल रहा है, मान लो किसी बैक्टीरिया या वायरस के चलते उल्टा असर हुआ और वायरस खतरनाक निकला और वो फैलने लगा, तो फिर समय नहीं लगेगा पूरी दुनिया को शमशान बनते। कोरोना वायरस याद है ना आपको, सिर्फ एक इंसान से शुरू हुआ था, फैला था 60 करोड़ लोगों में और मौत का कारण बना था 60 लाख लोगों के लिए। फैलने में समय नहीं लगता, तो कई वैज्ञानिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का अपोज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और किसी नोवेल वायरस से इन्फेक्टेड एक ही इंसान काफ़ी है 70-80 करोड़ लोगों में फैलने के लिए। और अगर जोम्बी वायरस असल हुआ तो 7 सेकेंड भी नहीं लगेंगे अगले वाले को इन्फेक्टेड होने में। तो ये था आज का वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।